देव, ओनेस्ट ग्लोबल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के हिस्ट्री चैनल पे मैं आप निशांत भारद्वाज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे पहले एपिसोड को जिस तरीके से आपने हमारा साथ दिया है, जिस तरीके से सराहा है, उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि शेखावाटी का नाम शेखावाटी क्यों पड़ा, और महाराव शेखाजी कौन। मैं राजेंद्र गुड्डा राव शेखा की 18वीं पीढ़ी में हूँ। हम जो कछवा वंश के लोग हैं, हम शुरुआती जहाँ से है सब ये लोग अयोध्या से निकले। कछवा वंश के लोग, करोड़ों लोग भगवान राम के वंशज हम कहलाते हैं। राव शेखा जैसा योद्धा इस राजपुताना की धरती पर पिछले हजार साल में नहीं हुआ। महाराव शेखा जी राजस्थान के आइडियल, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, और महाराव शेखा जी की सबसे बड़ी भूमिका इस देश में, इस डेमोक्रेसी में ये रही कि उन्होंने अपने जमाने में पूरे शेखावाटी में पंचायत राज की स्थापना की। उनकी मिसाल इस राजपुताना में तो दूसरी मिल ही नहीं सकती। कम से कम 50 से 55 लड़ाइयां उन्होंने अपने इस पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने लड़ी थी। जो आदमी छोटे से 10-20 गांवों से जिसने अपनी आबादी को शुरू किया था, अपना राज्य का किया था, 560 गांवों तक शेखावाटी का वर्चस्व फैल गया था। राजस्थान की धरती के ऊपर राव शेखा के जो वंश है, चाहे वह भैरू सिंह जी शेखावत हो, हमारे केंद्र के अंदर हमारे मंत्री हैं, हम उपराष्ट्रपति भी हैं रहे हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, हम सारे लोगों के लिए राव शेखा हमारे लिए हमारा प्राउड है। जब लोग तलवारों से अपना इतिहास लिखा करते थे, जब लोग समय की कीमत तो समझते थे लेकिन एक चुनौती के साथ दूसरे की रक्षा के लिए अपनी जान दे देते थे, वो परंपरा थी। धर्म की रक्षा के लिए जान दे देते थे, ऐसे थे महाराव शेखा जी। अगर हम सांप्रदायिक सद्भाव की बात करें तो शेखावाटी सबसे बड़ा उदाहरण होगा पूरे हिंदुस्तान में। जनता का पालन पोषण करने के लिए, न्याय के लिए हमारे पूर्वज, उनका शेखावाटी से ही नहीं, ये पूरे राजपुताना के अंदर, चाहे पूरे देश के अंदर, उनका दूसरा तो कोई मुकाबला है ही नहीं। महाराव शेखा जी के बारे में जानने के लिए अब हमको इतिहास में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, भगवान राम के समय में पहुंचना पड़ेगा। महाराज शेखा जी के संदर्भ के विषय में मैं आपसे कुछ जिक्र करना चाहूँगा। महाराज शेखा जी का एक ताल्लुक है, वो आमेर के राजघराने उदयकर्ण जी से है। महाराजा उदयकर्ण जी आमेर रियासत के राजा हुए और भगवान श्री राम के 243वीं पीढ़ी के वंशधर थे। उनके पुत्र कुश के पैदा हुए और आमेर के विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और महाराव शेखा जी के परदादा जी थे। और ये जो मेरे पीछे आमेर फोर्ट देख रहे हैं आप, वो आमेर के राजा थे। कछावा राजवंश, जो कुछ के जो वंशज हैं उनको कछावा राजवंश बोला जाता है। कछावा राजवंश के 243वीं पीढ़ी में उदयकर्ण महाराज जो है वो राजा बने। सन 1366 से 88 तक राजा थे। उनके 8 पुत्र हुए। 8 पुत्र में सबसे बड़े थे बरसिंह जी। बरसिंह जी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही शूरवीर योद्धा थे, और उनके सबसे छोटे पुत्र थे बालाजी। उनकी सबसे छोटी रानी थी, चौहान रानी का रिश्ता बरसिंह जी के लिए आया। तो मजाक में उदयकर्ण जी ने कहा कि आज हम जवान होते तो हमारा भी रिश्ता आता। ये बात बरसिंह जी को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि भई मेरे पिताजी की इच्छा है कि वो इनसे शादी करें, तो अब ये शादी मेरे पिताजी ही करेंगे। राजा जो है उन्होंने मना कर दिया कि भई हम तो बरसिंह जी से शादी इसलिए कर रहे थे कि ये सबसे बड़े राजकुमार हैं, आमेर की गद्दी पे बैठेंगे और इनसे जो संतानें होंगी वो आमेर की राजा बनेगी। अब बोला आप तो, अगर उदयकर्ण जी तो बूढ़े हो गए हैं, उनकी सबसे छोटी रानी है, इनसे जो बच्चे होंगे उनको क्या 10-12 गांव की जागीर मिल जाएगी, और क्या मिलेगा। तो हमारा तो जो मकसद था शादी करने का वो तो पूरा नहीं होता। इस पर बरसिंह जी ने संकल्प लिया कि मैं
अपनी स्वेच्छा से राजपाट को त्यागता हूं। जो सबसे छोटी रानी होंगी, चौहान रानी है, उनके जो वंशज होंगे वो ही राजगद्दी पे बैठेंगे। सौदरा जी का एक वचन के तौर पर अंतिम रानी से उनका एक सबसे बड़े पुत्र का एक गद्दी पर बैठना, ये एक अति संयुक्ति सी लगती है, लेकिन ये एक उस जमाने में विवाह को लेकर के राजघराने में बहुत राजनीतिक चलती थी। और चौहान रानी से जो है दो पुत्र हुए, नरसिंह जी और राव बालाजी। दोनों पुत्रों में से बालाजी सबसे छोटे हैं। वो बहुत संतोषी स्वभाव के आदमी थे, उनको कोई लेना देना नहीं था। वो बड़ी उम्र तक अपनी माता के साथ ही रहे। तो नरसिंह जी को वहाँ का राजा बनाया गया और बरसिंह जी को 84 गांव की जागीर दी गई अपने इस त्याग के लिए। और राव बालाजी जो सबसे छोटे थे, उनको अंत में 12 गांव की जागीर उनको देकर के और उनको संतोष कर दिया गया। महाराणा उदयकर्ण जी के काल में जो पीछे आप प्राचीर देख रहे हैं उनका निर्माण उनके काल में ही हुआ था। यहाँ पे एक चौकी स्थापित हुई थी, जो आज भी चौकी है, पुलिस वाले खड़े हैं। थोड़े दिन पहले यहाँ पे बिजली गिर गई थी, उसकी वजह से जो है ये अभी आज ऊपर जाना मना है, बंद है। तो हम आपको पूरा विस्तार से तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन फिर भी ये आमेर का भव्य किला है जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं। ये है आमेर का भव्य किला जो हम आपको बड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बारिश के मौसम में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नीचे जो आप देखेंगे तो ये इसके चारों तरफ पानी है, ये देख रहे हैं। ये जो हम किला देख रहे हैं, इसको देखने के लिए देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं। और इस किले का जो आंतरिक निर्माण कार्य है वो महाराजा उदयकर्ण जी आमेर के समय में हुआ था। और महाराजा उदयकर्ण जी आमेर अपने जमाने के एक बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय राजा थे। उनके समय में यहाँ पर जनता बहुत सुखी थी, संतुष्ट थी अपने राजा के कार्यकाल में। और महाराजा उदयकर्ण जी के समय में यहाँ पर जो व्यापार बहुत फला फूला था। कोई अगर कोई आक्रमण करता है तो बाहरी दीवार को भेदने के बाद ये पानी को पार करना पड़ेगा, जिसके उस तरफ से सैनिक हैं पूरी तरीके से। अगर ये पूरी लंबी चौड़ी इसको घेरे हुए है पहाड़ी को, अगर यहाँ से पार हो भी जाते हैं तो उस पहाड़ी पे और किले से जो है आक्रमण होगा। तो ये तीन तरीके की दीवारें बनी हुई हैं जिससे कि ये अभेद्य किला बना रहा। मतलब आमेर के किले पे किसी ने अभी तक, मेरे जहाँ तक मैंने इतिहास पढ़ा है, किसी ने कच्छाओं के अलावा किसी ने राज नहीं किया। पहले मीणाओं ने किया था, लेकिन एक बार कच्छाओं के हाथ में ये आ गया, उसके बाद में कोई भी अन्य शासक जो है वो राज नहीं कर पाया। महाराजा उदयकर्ण जी आमेर के सबसे बड़े बेटे जो थे उनका नाम था बरसिंह जी। और बरसिंह जी उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से राजा बनना अस्वीकार कर दिया। कर्नल नाथू सिंह जी ने अपनी पुस्तक अदम्य योद्धा महाराव शेखा जी में भी लिखा है, उदयकर्ण जी का काल क्या था विस्तार से उन्होंने वर्णित किया है। सन 1366 से 1388 तक उनका राज था। कि हमारी ये जो सीरीज है महाराव शेखा जी के बारे में, तो हम बहुत विस्तार से उदयकर्ण जी के बारे में इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपको जानना है तो आप कर्नल लाथू सिंह जी की पुस्तक पढ़िए, उन्होंने बहुत विस्तार से इसके बारे में लिखा है। और आमेर उस समय इस इलाके का सबसे बड़ा, जो बड़े बड़े मीणों के 52 ठिकाने थे जिनको परास्त कर आमेर का गठन किया गया था और आमेर की राजधानी बनाई गई थी। आज भी राजस्थान की धरती के ऊपर ये राव शेखा का वंशज इस लोकतंत्र के अंदर भी फल फूल रहा है और ये संस्कार हमारे डीएनए के अंदर है। धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति, हर जाति धर्म के व्यक्ति को जो साथ लेकर चलेगा वही राजपूत कहलाएगा। और जो धरती की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गाँव, कस्बे, शहर, स्टेट और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है, उसी को राजपूत कहा जाता है, वही धरती पुत्र है। राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा हो, जो पूर्व पर्यटन मंत्री रहे हैं,
श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास हो, जो वर्तमान यातायात और सैनिक कल्याण मंत्री हैं, श्री करणी राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष जो सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी हों, इन सब ने हमें ये आश्वस्त किया है कि वो अपने अपने स्तर पे ये बात मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान से बात करेंगे, उनके समक्ष रखेंगे कि महाराव शेखा जी की जीवनी के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए। हम ये कोशिश करेंगे कि राव शेखा जैसी शख्सियत को हम हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करें, और इसके लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करूंगा और हम इसके लिए भरकस प्रयास करेंगे। बताना चाह रहा हूं आपको कि ये हम प्रयास भी करेंगे, जल्दी है, हम उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। ये बड़ी खुशी की खबर है हम सबके लिए, हम शेखावाटी के लोगों के लिए और हिंदुस्तान के सब लोगों के लिए। मेरी अभी इसके बारे में हमारे जो प्रोड्यूसर हैं डीसी सिंह जी और गौरव अवस्थी से भी बात हुई, उन्होंने भी बहुत इस बात पर खुशी जाहिर की कि हमारा ये छोटा सा प्रयास जो है महाराव शेखा जी के बारे में जन जन तक पहुँचाने का, इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए ये कहीं ना कहीं एक आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस आंदोलन से जुड़े और हमारे वीर शिरोमणि महाराव शेखा जी की जीवनी को अगर पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाता है तो इससे गौरव की बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी और ये हमारी लड़ाई की पहली जीत होगी। साथ ही साथ मैं राज वीरेंद्र सिंह जी, नाथू सिंह जी, कर्नल नाथू सिंह जी शेखावत जिनकी बुक पे ये हम बना रहे हैं, दूसरा संपत सिंह जी धमोरा और बाकी सब लोग जिन्होंने भी हमारा इस मिशन में साथ दिया, उनको धन्यवाद देता हूँ। और उन सब के सामूहिक प्रयास से निश्चित ही एक दिन हमारी आने वाली पीढ़ी महाराव शेखा जी के बारे में पाठ्यक्रम में हमारे बच्चे पढ़ेंगे। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, पुनः निवेदन करता हूँ कि आप जुड़ें इस मुहिम में हमारे साथ, कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ें। महादेव। बरबाड़ा के जो 12 गांवों की जागीर राव बालाजी को दी गई थी, असंतोष पैदा हुआ, तरह तरह के सवाल पैदा हुए। एक्चुअली वो घास के मैदान थे और उन घास के मैदानों में क्या किया जाए, इसी सवाल के संदर्भ में महाराव शेखा जी का जन्म होता है तो वहाँ पर एक असंतोष का सा एक वातावरण था। मोकल जी के पास कोई जागीर थी नहीं।